एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू फैशन हॉल। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा फाउंडेशन चूज़ करना चाहिए, आपको स्टिक फाउंडेशन चूज़ करना चाहिए या लिक्विड फाउंडेशन चूज़ करना चाहिए, किस रीज़न से और किस वजह से आपको इन दोनों में से अपनी चॉइस किस तरह बना सकते हैं। तो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस रोज फाउंडेशन स्टिक। दिस इज़ फ्रॉम माइग्लैम। एंड गाइस, मैंने अपनी पहले माइग्लैम की वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो इसका रिव्यू दे चुकी हूँ मैं। वैसे तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है, अच्छा है फाउंडेशन, बट यू नो इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड फाउंडेशन मुझे थोड़ा सा इसे ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ये मुझे वैसा फिनिश नहीं देता जो मुझे लिक्विड फाउंडेशन देता है। सो दैट्स वाई मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ लिक्विड फाउंडेशन। तो अगर आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपको सूट करे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, मुझे ये फाउंडेशन उतना ज़्यादा कवरेज भी नहीं देता है जितना मुझे लिक्विड फाउंडेशन से मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ मैट पोरलेस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप स्टिक फाउंडेशन लेते हैं ना, इसकी एक ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है। सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है क्योंकि प्रोडक्ट जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है तो हमें लगता है यार इतना महंगा प्रोडक्ट है तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे ये प्रोडक्ट। और जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा जो भी मैंने मेकअप किया था अपनी इस स्टिक से, वैसे तो मैं स्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये मैंने माइग्लैम से परचेज़ करी थी, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था सो मैंने इसलिए परचेस करी। बट जब भी मैंने इस स्टिक से मेकअप करा तो मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा एंड आफ्टर सम टाइम मेरा मेकअप डार्क लगने लगा। बट आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी इन दोनों का डेमो दे देती हूँ। आई नो ये थोड़ा सा येलो टोन में है फाउंडेशन स्टिक, क्योंकि मुझे माई ग्लैम में इस शेड से लाइट शेड कोई नहीं लगा इस स्टिक में, सॉरी। वैसे तो फाउंडेशन में अवेलेबल है बट इस स्टिक में मुझे कोई भी लाइट शेड नहीं लगा। एंड जो मैं मेबलिन का यूज़ करती हूँ, यू ऑल नो माई शेड 115 आगरी। तो गाइस, ये जो शेड है मेरी स्किन के साथ बिल्कुल परफेक्ट है, अभी मैंने ये ही यूज़ करा हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे तो डेमो में आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, बट ये जो शेड है ये थोड़ा सा पिंकिश लुक अगर आपको चाहिए, थोड़ा सा आपको येलो टोन वाला अच्छा नहीं लगता है, सुटेबल नहीं लगता है, तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, आपको एक फाउंडेशन हैक बताती हूँ मैं यहाँ पे। आप जब भी फाउंडेशन सेलेक्ट करें तो कोशिश कीजिए, आप अगर मार्केट में जाते हैं, आप ट्राई आउट करते हैं, तो आपको नेचुरल लाइट में ही इसे ट्राई आउट करना चाहिए। और मेकअप कंप्लीट होने के बाद अगर आपका मेकअप लुक थोड़ा सा डार्क हो जाए तो इसका मतलब वो आपकी स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं है, तो आपको उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो गाइस, ये मेरा शेड है एंड यू नो मैं स्टिक के बारे में बता चुकी हूँ। ये स्टिक है एंड गाइस, इसमें जो इस स्टिक में मैंने अपना शेड चूज करा था FDT04 वार्म सैंड, इससे ऊपर मुझे कोई शेड नहीं लगा एंड ये थोड़ा सा येलो टोन में है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका डेमो, आप देख सकते हैं और खुद से डिसाइड कीजिएगा विच इज बेस्ट, स्टिक फाउंडेशन और लिक्विड फाउंडेशन। तो गाइस, डेमो स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा ज़्यादा लगती है लिक्विड फाउंडेशन के कंपैरिजन में।
लिक्विड फाउंडेशन है जो मैं रोज से यूज करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे रोज की वीडियो में, मैंने फिटमी का ही मेबेलिन का फाउंडेशन यूज करा है। मैं जो भी यूज करती हूँ लिक्विड फाउंडेशन ही यूज करती हूँ रोज से। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इसे किया माय ग्लैम से प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए, ट्राई करी थी, अच्छा है, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा जितना ज़्यादा मुझे लिक्विड फाउंडेशन के साथ सेटिस्फेक्शन मिलता है। करूंगी कि आप जब भी यूज करें तो कोशिश कीजिए कि आप लिक्विड फाउंडेशन यूज करें। मैं ये फाउंडेशन जब घर में रहती हूँ, मुझे थोड़ा सा कोई छोटी वीडियो क्रिएट करनी होती है तब मैं इसे यूज करती हूँ, बट मोस्टली आउटिंग वगैरह में जाती हूँ तो मैं इसी फाउंडेशन को यूज करती हूँ। ये था लिक्विड फाउंडेशन और स्टिक फाउंडेशन का डिफरेंस, आपको कौन सा ज्यादा सही लगा ये आपकी चॉइस है, बट मैं अपनी बताऊँ तो मैं लिक्विड फाउंडेशन ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस देखिए एंड देन गो विद योर लिक्विड और स्टिक फाउंडेशन। तो गाइस आपने जैसा कि देखा डेमो में, पार्टीशन करके मैंने आपको एक तरफ स्टिक फाउंडेशन दिखाया एंड दूसरी तरफ मैंने आपको लिक्विड फाउंडेशन दिखाया। आई नो इसका शेड लाइट है बट इसकी कवरेज बहुत फाइन है। इस प्राइस में मार्केट में किसी भी ब्रांड का फाउंडेशन अवेलेबल नहीं है, इसकी कवरेज बहुत हाई है और ये आपको बहुत फ्लॉलेस लुक देता है। एंड आपका अगर ये ड्राइट शेड चूज़ करते हैं आप तो कभी भी आपका मेकअप होने के बाद आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं लगेगा आपको अपने नेचुरल कॉम्प्लेक्शन से, ठीक है गाइस। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, टिल देन बाय।